नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑडियो स्ट्राइम में। मैं हूँ आपका दोस्त अमन साड़ा और लेके आया हूँ आज आपके लिए गजब गजब की न्यूज। तो आशा करूँ आज ही आपको ये डेली डोज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं आज के डेली डोज के बारे में और आशा करता हूँ आपको हमारा कल का डेली डोज पसंद आया होगा। यहाँ पर आप जानते हैं कल हम आपके लिए गेम प्ले लेके नहीं आ पाए, उसके लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं। कल बहुत बारिश हो रही थी और उसी के कारण हम यहाँ गेम खेल नहीं पाए और आपको लाइव स्ट्रीम पहुंचा नहीं पाए। तो बने रहिए, लाइव स्ट्रीम वापस आएगी और आशा करेंगे आपको लाइव स्ट्रीम हमारी पसंद आएगी। बात करें आज के सबसे पहली डेली डोज की, तो ये आ रही है गूगल फोटोज से। और अगर आप इसे यूज करते हैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर तो यहाँ पे आने वाले हैं 3 नए फीचर। ये है मैनुअल फेस टैगिंग, पेड फोटो शेयरिंग और टाइम स्टाम्प एडिटिंग। जी हाँ, टाइम स्टाम्प एडिटिंग आपको यहाँ मिलेगी। और यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि जो बग्स है उसे भी फिक्स कर दिया है और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो पहले से आपको बेहतर देखने मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये 3 नए फीचर पसंद आए कि नहीं, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, यह आ रही है सैमसंग गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 से। और यहाँ पर आप जानते हैं हाल ही में हमने कुछ फोटो शेयर किए थे और बताया था कि इस प्रकार से आपको ओवरऑल लुक मिल सकता है। अब यहाँ पर मालूम पड़ा है कि आपको 2 नए फीचर मिलेंगे जो कि है ECG और दूसरा है फॉल डिटेक्शन। जी हाँ, ये 2 नए फीचर आपको मिलने वाले हैं। बात करें और चीज़ों की तो अभी ज़्यादा कुछ कन्फर्म नहीं है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से ये नई वॉच एक्टिव 2 आती है, क्या ओवरऑल फीचर होते हैं और क्या प्राइसिंग रखी जाती है। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है BSNL की तरफ से। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो इनका वीओ वाईफाई टेस्टिंग है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है और हो सकता है कि आपको ये जल्दी देखने मिल जाए और यहाँ पे WhatsApp के वॉइस कॉलिंग को ये टक्कर दे दे। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी वेट कर रहे हैं वीओ वाईफाई का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एप्पल आईफोन 11 से। और यहाँ पे आए हैं कुछ नए लीक जिसके अंदर मालूम पड़ा है कि कुछ इस प्रकार से आपको फ्रंट पैनल और बैक पैनल देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे फ्रंट पैनल तो बड़ा ही गॉर्जियस लग रहा है, कलर वाइज ये अच्छा लग रहा है और बैक पैनल भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। तो लग रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट कुछ इसी प्रकार से इस बार आपको मिलने वाला है और कुछ इसी प्रकार से ओवरऑल लुक बैठेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहेंगे एप्पल के आईफोन 11 को परचेस करना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एयरटेल के पोस्टपेड यूजर्स के लिए। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं 4G डिवाइस को खरीदना तो यहाँ पर आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है जिसके तहत आपको मिलेगा 1000 का कैशबैक। जी हाँ, ये एयरटेल दे रही है। यहाँ पे बात करें क्या करना होगा, तो यहाँ आप पहले 4G हॉटस्पॉट डिवाइस खरीद लीजिए, 2000 का पड़ता है। उसके बाद 399 या 499 का प्लान डलवाइए और 300 रुपये एडिशनल आपको चार्जेस और देने होंगे। तो कुल मिला के 2699 इस तरह से आपकी प्राइसिंग बैठ जाएगी और इसके बाद आपको मिलेगा 1000 का कैशबैक, वो भी आपके पोस्टपेड अकाउंट के अंदर। तो उसे आप आने वाले जो बिल के पेमेंट है उसके अंदर यूज कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको ये कैशबैक मिल रहा है। अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप 4G हॉटस्पॉट लेना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है HMD ग्लोबल के नोकिया 9 पीयर व्यू से। और यहाँ पे इन्होंने टीज कर दिया है और बताया कि इंडिया में ये जल्दी आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिला है और यहाँ पे ये 5 कैमरे वाला स्मार्टफोन जल्दी इंडिया में आएगा और यहाँ पे इंडियंस इसे यूज कर पाएंगे। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या लगता है क्या प्राइसिंग हो सकती है इस स्मार्टफोन की, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है स्विफ्ट की तरफ से। और ये लेके आ गए हैं नया फीचर जिसके तहत आप यहाँ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पांडा, डायनासोर, डॉग, कैट या फिर उल्लू में। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से आपको ये नया फीचर देखने मिलेगा। इस फीचर का नाम है एनिमेटेड पपेट और यहाँ पे इसे आप इजिली यूज कर पाएंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये फीचर पसंद आए कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है फिर से सैमसंग की तरफ से। और यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं गैलेक्सी फिट तो यहाँ आने वाला है जल्दी नया अपडेट जिसके तहत यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव देखने मिलेगी, साथ ही साथ जो चार्जिंग है वो भी आपको अच्छी देखने मिलेगी और आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बेहतर मिलेगा। बात करें ये अपडेट अभी कहाँ देखने मिला है, तो ये अभी फ्रेंच में देखने मिला है, यानी फ्रांस में देखने मिला है और हो सकता है कि अदर मार्केट में ये जल्दी देखने मिल जाए। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी यूज करते हैं गैलेक्सी फिट, अगर करते हैं तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है, शेयर कीजिए हमारे साथ। बात करें अगली डेली डोज की, ये आ रही है किया सेल्टोस की तरफ से। और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि जल्दी बुकिंग ओपन होने वाली है और यहाँ पे आप बुकिंग कर पाएंगे, साथ ही साथ हो सकता है कि इसके बाद जल्दी ये लॉन्च हो जाए और यहाँ पे ओवरऑल प्राइसिंग के बारे में मालूम पड़ जाए और ओवरऑल किस प्रकार से ट्रिम्स देखने मिल रही है, क्या फीचर देखने मिल रहे हैं उसके बारे में भी मालूम पड़ जाए। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहेंगे किया सेल्टोस को लेना, तो कमेंट कीजिए और बताइए।
बात करें अगली डेली डॉज की, तो आ रही है रेनॉल्ड डस्टर की तरफ से, और यहाँ पे ऑटो कार इंडिया ने शेयर की है एक लीक, जिसके तहत इन्होंने बताया कि इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 7.99 लैक्स है, और कुछ इस प्रकार से इसका लुक देखने मिलेगा जो कि हम प्रीवियसली देख ही चुके हैं। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो अभी ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से ये नई रेनॉल्ड डस्टर आती है, क्या ओवरऑल फीचर होते हैं, और क्या प्राइसिंग यही होती है या फिर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप चाहेंगे रेनॉल्ड डस्टर को लेना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, आ रही है ऑटो एक्सपर्ट 2020 से, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इस शो के अंदर जाना तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा 7 फरवरी का। यहाँ पे बात करें कब तक चलेगा, तो 12 फरवरी तक ये चलेगा। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पे बुकिंग अभी मालूम नहीं पड़ा है कब से चालू होगी, अगर जैसे बुकिंग चालू होगी हम आपको बता देंगे, और आप इजिली टिकट करवा सकते हैं और जा सकते हैं इस एशिया के लार्जेस्ट ऑटो शो में और दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑटो शो में। तो बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप जाना चाहेंगे ऑटो एक्सपर्ट 2020 के अंदर, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डॉज की, तो यह आ रही है किया मोटर्स की तरफ से, और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि इनकी आने वाली है नई एमपीवी, ये आपको देखने को मिल सकती है 2020 तक। यहाँ पे बात करें इसके नाम की, तो ये है कार्निवल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगी, और लुक वाइज ये बहुत ही अच्छी है, खूबसूरत लग रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि टोयोटा की जो इनोवा क्रिस्टा है इसे ये टक्कर देगी। और यहाँ पर इंटीरियर भी देखेंगे तो इंटीरियर भी बहुत ही लाजवाब लग रहा है। अब देखते हैं इंडिया के हिसाब से क्या देखने मिलता है, क्या चेंजेस होते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर में, साथ ही साथ क्या यहाँ पे प्राइसिंग मिलती है, और क्या इंजन होते हैं, और ओवरऑल किस प्रकार से हमारा यहाँ एक्सपीरियंस होता है कार्निवल एमपीवी के साथ। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप चाहेंगे किया कि ये एमपीवी को लेना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके इसे फैलाइए, और हो सके तो डोनेट कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त अमन सारडा, भारत माता की जय।